भाजपा के जो नवीन मुख्यमंत्री सभी ने शपथ ली है, उप मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और निश्चित रूप से जैसा कि अजय जी ने यहाँ पर कहा कि अभी अगर कोई निर्णय हुआ है तो वो बिल्कुल प्रशंसा की जानी चाहिए। और हमें भी ये बात लगती है, कांग्रेस के अंदर भी एक बात आम रूप से लगती है कि अभी कुछ समय देना चाहिए सरकार को, क्योंकि जनता जनार्दन के वोट से और उनके निर्णय से ये सरकार बनी है। तो निश्चित रूप से हमको, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में उन्होंने बिठाया है जनता ने, और हम मजबूत और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में निश्चित रूप से रहेंगे। लेकिन जहां सरकार की आलोचना की जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का जो रोल होता है वो वही होता है, यहाँ पर दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं बता देना चाहता हूँ। राहुल भाई ने ये बात कही कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसने आवाज को रोक करके रखा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ आकांक्षा जी, कहीं भी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। 7.5 लाख के आसपास करीब जो मकान थे उनको वेटिंग लिस्ट में डालने का काम केंद्र सरकार ने किया और उसकी राशि नहीं आई। और राज्यांश जो होता है, जो 60 और 40 का जो राज्यांश होता है, उसमें अगर ये बात कहते हैं भाजपा के लोग लगातार कहते नजर आए, लेकिन राज्यांश में केंद्र का ही डाटा है कि लगभग जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में 87% का जो टारगेट है वो पूरा किया। राज्य स्तरीय आंकड़े हैं, उठा करके देख लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो भूपेश बघेल जी की सरकार में शहरी जो आवास बनकर के तैयार हुए, मेरे पास कुछ डाटा है, 13,04,000 करीब शहरी आवास बनकर के तैयार हुए और 2,47,000 जो है सॉरी 13,04,000 ग्रामीण थे और 2,47,000 शहरी आवास बन करके तैयार हुए। तो लगभग लगभग 18,07,000 जो आवास है वो बन करके तैयार हुए, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि रही। और मुझे लगता है कि जब निष्पक्ष रूप से हम किसी जो अच्छे कार्य की तारीफ की बात करते हैं तो हर सरकार की होनी चाहिए, ना कि वो सिर्फ भाजपा की हो या फिर किसी और सरकार की। तो मुझे लगता है कि जो डाटा है उसको सुधारना चाहिए। और निश्चित रूप से जो राज्यांश की बात थी, तो राज्यांश राज्य सरकार ने जारी किया था। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे शिक्षा में, अगर